Hello everyone. In this video, we are going to solve numericals based on bits. 3 mark ke liye exam mein aate hai. Most previous year ke papers aap dekhoge to ek sum to iske upar ka rehta hi hai bits ke upar ka. And ye karne se aapka stationary waves wala part bhi solve ho jayega. So let us start solving. Maine iske kya kiya hai, 3 section banaye hai. Ek to find velocity of sound in air. Second, series of tuning fork, and third, backs and filing. So let us start solving the first part to find velocity of sound in air. Velocity of sound in air are 82 by 173 meter and 82 by 1 meter. मतलब ये दो wavelength दिए हुई है. एक है 82 by 173 meter. दूसरा है 82 by 171 meter. यहां पे देख के एकदम क्लियरली पता चलता है कि लैम्डा 2 इज ग्रेटर देन लैम्डा 1. डिनोमिनेटर में छोटा नंबर है तो लैम्डा 2 इज ग्रेटर देन लैम्डा 1. देयरफॉर n1 इज ग्रेटर देन n2. रीजन इज n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा. तो अगर लैम्डा 2 लैम्डा 1 से बड़ा है तो उल्टा हो जाएगा, n1 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, n2. देयरफॉर n1 माइनस n2 इज इक्वल टू 9, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ 9 बीट्स बनाते हैं. जब ये बीट्स का सम आएगा ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि किसकी फ्रीक्वेंसी बड़ी है. तो मैंने यहां पे बोल दिया n1 इज ग्रेटर देन n2, तो ही मैं ये लिख सकता हूं n1 - n2 इज इक्वल टू 9. ठीक है, नाउ n1 के बदले अपन v / लैम्डा 1 डाल सकते हैं, n2 के बदले v / लैम्डा 2 डाल सकते हैं, इज इक्वल टू 9. फार्मूला कौन सा लग जाए, सिंस v इज इक्वल टू n लैम्डा, v के फार्मूला अपन ने पहले देखा है, तो n के बदले अपन क्या लिख सकते हैं, v / लैम्डा. तो n के बदले v / लैम्डा 1, v / v ही रहेगा क्योंकि मीडियम चेंज नहीं हो रहा है, एयर में ही है, तो एयर में वेलोसिटी सेम. जब मीडियम चेंज होता है तब वेलोसिटी चेंज होती है. v कॉमन निकाला, अंदर बचेगा 1 / लैम्डा 1 - 1 / लैम्डा 2 = 9. तो v, हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट, एकदम सिंपल. लैम्डा 1 का रेसिप्रोकल 173 / 82, उल्टा हो गया. लैम्डा 2 का रेसिप्रोकल 171 / 82 is equal to कितना आएगा, 9. तो v into 2 / 82 is equal to 9. 2 ones are 241, तो v is equal to, answer will be 9 ones are 9, 9 fours are 36 meter per second. Is it simple? तो बहुत सिंपल सा, हमें दो साउंड वेव्स थे, दोनों एक दूसरे के साथ 9 बिट बना रहे थे. You have to find velocity. पैटर्न याद रखो, एक सम आएगा तो अभी सारे सम इसके ऊपर आपको करने आने चाहिए. नेक्स्ट, the wavelength of two sound notes in air is R 85 by 170. Next sum देखो, 85 by 171 meter and दूसरा है 85 by 173 meter. Okay, each of these notes produce 4 bits per second with the third note. ये थोड़ा twist है कहानी में. ये मैं बोल सकता हूँ कि ये board में सबसे ज़्यादा और पूछा हुआ question है. इतने बार ये exam में आया है जिसमें दो sound waves किसी तीसरे sound note के साथ beats बना रहे हैं. ये वाले सम में, सम नंबर 1 में दोनों एक दूसरे के साथ बीट्स बना रहे थे, इधर किसी तीसरे के साथ बीट्स बना रहे हैं. तो ऐसे टाइप के सम्स कैसे सॉल्व करें, उसके स्टेप्स कैसे रहेंगे, चेक इट आउट. अभी लैम्डा 1 लैम्डा 2 मुझे पता है, व्हिच वन इज ग्रेटर, नो डाउट लैम्डा 1 इज ग्रेटर देन लैम्डा 2. डिनोमिनेटर छोटा है तो एक्चुअली बड़ा रहता है, उल्टा हो जाएगा, n2 ग्रेटर देन n1. रीजन क्या है, इसके पीछे n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा. देयरफॉर कितना बिट बनेगा, n2 - n1 इज इक्वल टू 4 बिट्स. I call this equation number 1, let us say. ठीक है, अभी ये जो मैंने लिखा है ना, इधर ही wrong हो जाएगा. बहुत सारे बच्चे बिना देखे इसको solve कर लेते हैं, पर ये दोनों एक दूसरे के साथ beats ही नहीं बना रहे. ठीक से पढ़ो, they are producing 4 beats per second with the third note. तो ये अगर आप step लिख रहे हो तो wrong हो जाएगा, ये बात का ख्याल रहे. जब exam में time कम रहता है and we are skip solving, तो we skip some points. तो ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखो, दोनों एक दूसरे के साथ बीट्स नहीं है, तभी आता है जब दोनों एक दूसरे के साथ बीट्स बना रहे. अभी दोनों तीसरे के साथ बीट बना रहे, तो लेट अस से कैसे सॉल्व करेंगे इसके आगे. लेट कैपिटल एन बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड नोट. तो
n2 is greater than n is greater than n1, ये जो तीसरा है उसकी फ्रीक्वेंसी इन दोनों के फ्रीक्वेंसी के बीच में आएगी, क्योंकि दोनों जन सेम बिट्स बना रहे हैं। तो n2 और n1 दोनों भी 4-4 बिट्स बना रहे हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी बीच में आ जाएगी। तो ये एक पैटर्न मैंने बना दिया यहां पे। अब मुझे बताओ n2 इज ग्रेटर देन n1 में, n2 इज ग्रेटर देन n1 में आई कैन राइट n2 माइनस n इज इक्वल टू 4, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, और इन दोनों में n बड़ा है तो n माइनस n1 इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 2। सो व्हेन वी विल ऐड देम, व्हेन वी विल ऐड 1 एंड 2, व्हाट आई विल गेट, n2 माइनस n1 इज इक्वल टू 8, बराबर है। ये हो गई फ्रीक्वेंसी, आई कॉल इट इक्वेशन नंबर 3। वंस यू गेट दिस, नाउ यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग कि n2 के बदले क्या लिखेंगे, v अपॉन लैम्डा 2 माइनस v अपॉन लैम्डा 1 इज इक्वल टू 8। v कॉमन निकाला, 1 अपॉन लैम्डा 1 माइनस 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू 8, लैम्डा 1 का रेसिप्रोकल, सॉरी 1 अपॉन लैम्डा 2, लैम्डा 2 माइनस 1 अपॉन लैम्डा, लैम्डा 2 का रेसिप्रोकल इज 173 अपॉन 85 माइनस 171 अपॉन 85 इज इक्वल टू 8। तो v इनटू 2 अपॉन 85 इज इक्वल टू 8, 2 1 जा 2 4 जा, तो आंसर कितना आएगा, 340 मीटर पर सेकेंड, ये 85 फोर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इज इट सिंपल? तो ऐसे सब आते वेलोसिटी वाले, यू हैव टू फाइंड वेलोसिटी व्हिच कैन बी इजीली सॉल्व, ठीक है। अभी इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड, वी सपोज टू फाइंड थर्ड नोड का फ्रीक्वेंसी। तो थर्ड नोड का फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करेंगे, देखो अभी थर्ड नोड का फ्रीक्वेंसी जो भी आएगा वो इधर से आएगा, इक्वेशन 1 और 2 में, मतलब कैपिटल एन तो यहां पे ही है ना, तो आइदर 1 से आएगा या फिर 2 से आएगा। 2 से फाइंड करते तो n1 निकालना पड़ेगा, n से फाइंड करना है तो n2 निकालना पड़ेगा। तो चलो 2 से फाइंड करते, n1 फाइंड करते। तो n1 कैसे फाइंड करें, बेसिक फार्मूला, n1 इज v अपॉन लैम्डा 1, v की वैल्यू 340, लैम्डा 1 इज 85 into 171, 85 1 जा 85 4 जा, राइट। तो ये आंसर कितना आएगा, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, 684 हर्ट्ज, ये n1 आ गया। एक बार आपको n1 आ गया तो इक्वेशन 2 में वाली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इक्वेशन 2 के n माइनस n1 इज इक्वल टू 4, तो फ्रॉम 2 आई कैन राइट n माइनस n1 इज इक्वल टू 4, n1 के बदले अपन क्या डाल सकते हैं, 684 इज इक्वल टू 4, तो n इज इक्वल टू कितना आएगा, 688 हर्ट्ज। इज दैट सिंपल? तो ऐसे वेलोसिटी फाइंड करते, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप, ठीक है। पहले वेलोसिटी फाइंड किया एंड देन थर्ड नोट की फ्रीक्वेंसी, ये सम मैं मार्क करता हूं, मेरा वीवीआईपी सम एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार, ओके। नेक्स्ट, लास्ट कुछ सालों से सीरीज ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क के सम्स आ रहे, तो वो भी काफी सिंपल है, सीरीज ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क वाले सम। इसमें एक पैटर्न फॉर्म करेंगे, उस पैटर्न से अपन सम को सॉल्व करते हैं। लेट अस रीड दिस। 32 ट्यूनिंग फॉर्क आर अरेंज्ड इन descending order, मतलब 32 tuning fork के decreasing order में arrange किया। If any two consecutive tuning fork are sounded together, the number of beats heard per second is 8. दो भी tuning fork को sound किया, किसी भी दो tuning fork को, तो 8 beat बनाते हैं। Find the frequency of first, last and 21st और relation दिया है, first tuning fork is octave of last tuning fork। तो पहले तो पूरा question मैंने पढ़ लिया, सीरीज ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क वाला सम है, कैसे पता चला, क्योंकि इधर लिखा है 32 ट्यूनिंग फॉर्क, तो मैं समझ गया ये सीरीज ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क का सम है। तो अभी क्या करेंगे अपन, लेट अस राइट, लेट n1 कॉमा n2 कॉमा n32 बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ 32 ट्यूनिंग फॉर्क अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये लिखने के बाद इट इज वेरी क्लियर डिक्रीजिंग ऑर्डर है, मतलब n1 इज ग्रेटर देन n2। देखो बीट्स के समय ये लिखना बहुत जरूरी है, n1 इज ग्रेटर देन n2, तो मैं क्या लिख सकता हूं, n1 माइनस n2 इज इक्वल टू कितने बीट्स बन रहे हैं, 8। हर एक जन अपने बाजू वाले के साथ 8 बीट्स बना रहे हैं, देयरफॉर n2 इज इक्वल टू n1 माइनस 8। ये इंपॉर्टेंट स्टेप याद रखो, ये स्टेप को एकदम मार्क करके रखना कि n2 और 8 इंटरचेंज किया, मैंने n2 का रिलेशन n1 के साथ लगा, n2 एक साइड में, n1 एक साइड में।
अभी इस चीज को कैसे लिखते हैं, देखो n2 is n1 minus 8 को अपन 8 into 1 लिख देंगे, ओके और 1 जो है वो 2 minus 1 है, तो 8 को मैंने लिखा 8 into 1, 1 को मैंने लिखा 2 minus 1, तो ये बन गया रिलेशन। Similarly, what is n3? It is n1 minus 8 into 3 minus 1. अभी मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप समझे मैंने क्या बनाया था, एक पैटर्न बनाया था, इस पैटर्न को यूज करके मैंने अभी n3 का रिलेशन लगा दिया n1 के साथ, ना मुझे n2 चाहिए ना मुझे n3 चाहिए, ये सिर्फ मैं एक पैटर्न बना रहा हूं, ओके? फिर मुझे जो चाहिए वो, तो डॉट 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 डाला, मुझे क्या चाहिए n21, है ना, उसने बोला 21st ट्यूनिंग फोर्क, तो इट इज n1 माइनस 8 इंटू 21 माइनस 1, व्हाट इज 21 माइनस 1, 20, 28 जा 160, तो इसको मैंने सॉल्व किया, लेट मी कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1, डन। और मुझे क्या चाहिए, डॉट डॉट डॉट, n32 चाहिए, लास्ट चाहिए मुझे, तो n1 माइनस 8 इंटू 32 माइनस 1, व्हाट इज 32 माइनस 1, इट इज 31, तो इसको अपन लिख सकते हैं 248 हर्ट्ज। देखो बच्चों, ये और ये अपने को चाहिए सॉल्व करने के लिए, बराबर है, n2 n3 मैंने सिर्फ पैटर्न बनाने के लिए लिखा हुआ है, फिर मैंने n21 लिखा, n32 लगा बिकॉज इट वॉज रिक्वायर्ड, अभी ये सारा पैटर्न बना के रेडी हो गया, अभी अपन सम सॉल्व करते हैं, अभी सम सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, कंडीशन, तो उसने कंडीशन दिया है, फर्स्ट फॉर्क इज ऑक्टेव ऑफ लास्ट फॉर्क, फर्स्ट फॉर्क इज ऑक्टेव ऑफ लास्ट फॉर्क, नाउ फर्स्ट इज ऑक्टेव मतलब डबल ऑफ लास्ट, डोंट राइट एट टाइम्स, ऑक्टेव का मतलब होता है डबल, तो फर्स्ट फॉर्क इज ऑक्टेव ऑफ लास्ट, तो एन वन इज टू टाइम्स एन वन माइनस 248, है ना, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2n1 माइनस 496, देयरफॉर एन वन की वैल्यू कितनी आएगी 496 हर्ट्ज, इज इट सिंपल, अब मुझे बताओ, एक बार आपको n1 की वैल्यू मिल गई, नाउ इट इज वेरी सिंपल टू कैलकुलेट n21 एंड n32, क्योंकि वो अपन ने ऑलरेडी निकाल के रखा है, तो फ्रॉम 1 आई कैन राइट n21 इज 496 माइनस 160, यू विल गेट द आंसर इन हर्ट्ज, एंड फ्रॉम 2 n32 क्या आएगा 496 माइनस 248, दैट इज 248 हर्ट्ज, कोई डाउट, सो वेरी सिंपल सम, पहले पैटर्न बनाया फिर कंडीशन लगाया और सॉल्व किया, सीरीज ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क के सारे सम ऐसे ही सॉल्व होते हैं, लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन, सेम टाइप के एक सम लेते हो थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए, ये इंपॉर्टेंट सम है, ये एग्जाम में आया भी था बहुत बार, और ये अपना एक फाइव स्टार लेवल का सम हो गया। A set of 33 tuning fork is arranged in a decreasing order. Again, कितना अभी 33 tuning fork है, decreasing order. Each fork gives x beats per second. अभी x beats unknown है, x beats per second with the preceding one. If the first fork is octave of last, relation दिया है, find first and last. और एक value extra देके रखी है, 10th fork की frequency 440 hertz. तो कैसे करेंगे, चलो, let us start. Let n1, n2 up to n33 be the frequency of 33 tuning fork arranged in decreasing order. इसका मतलब n1 greater than n2 है, therefore n1 minus n2 कितना bits बनाते हैं, x, relation कैसे बनाएंगे, इसको यहाँ पे लेके आओ, तो n2 को मैं n1 minus x लिख दूँगा, अब मुझे बताओ x को क्या लिख सकते हैं, x into 1, 1 को क्या लिख सकते हैं 2 माइनस 1, बराबर है, ये एक पैटर्न बन गया। सिमिलरली मैं n3 की वैल्यू लिखता हूं n1 माइनस x इंटू 3 माइनस 1, ना मुझे n2 चाहिए ना मुझे n3 चाहिए, बोथ आई हैव कैलकुलेटेड ओनली टू फॉर्म अ पैटर्न, भाई मुझे क्या चाहिए, मुझे फर्स्ट चाहिए और मुझे लास्ट चाहिए, पर 10th दिया हुआ है, तो मैं काम करता हूं 10th का फाइंड कर लेता हूं, n1 माइनस x इंटू 10 माइनस 1, अभी बच्चा n10 की वैल्यू दी है 440, तो 440 इज इक्वल टू n1 माइनस 9x, तो n1 की वैल्यू आ गई ना, व्हाट इज n1, n1 इज 440
plus 9x, that is n1. I call this equation number 1. Similarly, जैसे n10 लगा, अभी मैं n33 लगाता हूँ, it is n1 minus x into 33 minus 1, ये pattern में मैंने substitute कर दिया, अभी n1 की value already डाल दी, तो smartness से ये की value इधर ही डाल दो, तो काफी easy हो जाएगा sum, minus 32x, तो ultimately it is 440 minus 23x, I call this equation number 2, तो n33 आ गया, n1 आ गया, दोनों मुझे find करना है, अभी कंडीशन दिया रहेगा क्या दिया कंडीशन कि फर्स्ट इज ऑक्टेव ऑफ लास्ट तो फर्स्ट की वैल्यू कितनी है 440 प्लस 9x इज इक्वल टू 2 टाइम्स 440 माइनस 23x इन दिस इक्वेशन सिर्फ अननोन कौन सा x तो यहां से मुझे x मिल जाएगा तो जैसे मुझे x मिल जाएगा फ्रॉम 1 मैं x की वैल्यू यहां पे डाल दूंगा तो n1 मिल जाएगा and from 2 जब मैं x की वैल्यू यहां डालूंगा तो मुझे n33 मिल जाएगा so that is the important sum ठीक है velocity find करनी है and series of tuning fork next type c में we'll find waxing and filing वाले sum conceptual sum है so we can go for that next part में waxing and filing का okay let us start now this type this is wax and filing ये थोड़ा interesting sum है it is for 2 marks conceptual sum से तो आप इसको देख के भी solve कर सकते हो directly ऐसे देख के answer आ जाएगा तो you can expect this from 1 mark to 2 mark देखो इसमें क्या लिखा है a tuning fork A produces 4 beats per second with tuning fork B of frequency 386 hertz तो थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं ए बी ऐसे दो ट्यूनिंग फॉर्क है और ए जो है वो बी के साथ 4 बिट्स बना रहा है और बी का फ्रीक्वेंसी 386 हर्ट्ज है तो कॉमन सेंस से ए के तो दो आंसर आने वाले हैं आइदर आंसर विल बी 390 हर्ट्ज और इट विल बी 382 हर्ट्ज एग्री रीजन 390 क्यों है क्योंकि 390 प्लस 386 4 आना चाहिए I don't know which one is greater ना कौन सा किसका frequency बड़ा है I don't know A का frequency बड़ा है कि B का frequency बड़ा है तो A का अगर frequency बड़ा रहेगा तो 390 आंसर रहेगा B का frequency बड़ा रहेगा 382 आंसर रहेगा इन दोनों में से एक आंसर आने वाला है that's it अब देखो वही आंसर find करना है अभी क्या लिखा है when a prongs of A are filed a little the number of beats heard is 6 per second अभी उसने क्या किया A को file किया A को file किया मतलब A की frequency बढ़ा दी, filing किया, मतलब sharpness बढ़ा उसका, frequency बढ़ा दी, और beats कितने हो गए, 6, ये question में लिखा रहता है, beats 6 हो गया, मतलब beats भी बढ़ गया, A को उसने file किया, मतलब A की frequency बढ़ गई, beats भी बढ़ गए, अब मुझे बताओ, ये दोनों में से कौन सा answer, ये condition obey कर रहा है, for example 382, इसकी अगर मैं frequency बढ़ाता हूँ, तो ये इस number के नजदीक जाएगा अप्रोच करेगा तो बिट्स कम हो जाएगा डिफरेंस बिट्स मतलब क्या है डिफरेंस बिट फ्रीक्वेंसी से डिफरेंस तो 382 अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा तो 386 के पास जाएगा नजदीक जाएगा तो इसमें बिट्स कम हो जाएंगे पर अगर इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ा तो ये इससे दूर जाएगा कॉमन सेंस है 390 391 करेगा तो 5 बिट बनेंगे 392 करा तो 6 बिट बनेंगे तो आंसर क्या आएगा 390 तो माय फाइनल आंसर इज 390 सम सॉल्वड दैट्स इट पर एग्जाम में ऐसे तो नहीं लिख सकते है ना अगर आ गया दो मार्क तो आपको पूरे स्टेप्स लिखने पड़ेंगे तो लेट अस राइट फ्रीक्वेंसी ऑफ बी कितना दिया है 386 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्वेश्चन मार्क बीट्स सुनाई दे रहे हैं 4 तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स प्लस और माइनस बी तो 386 प्लस और माइनस 4 तो इट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज 390 हर्ट्ज और फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज 382 हर्ट्ज ओके ये स्टार्टिंग का पार्ट इसके बाद आप एक स्टेटमेंट लिखो स्टेटमेंट में यू कैन राइट डाउन आई विल डिक्टेट एज प्रोंग्स ऑफ ए आर फाइल्ड अ लिटिल एज प्रोंग्स ऑफ ए आर फाइल्ड सो इट्स फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस एंड बीट्स ऑल्सो इंक्रीजेस फ्रॉम 4 to 6 this condition is satisfied
when frequency of A is 390 hertz, therefore NA is equal to 390 hertz. तो आप बोर्ड एग्जाम में ऐसे लिख सकते हो, यहां तक आने के बाद एक स्टेटमेंट और फिर 390 hertz. इजी. चलो इसको समझते हैं. नाउ ए एंड बी दे गिव 6 बीट्स पर सेकेंड. ए का फ्रीक्वेंसी 288 hertz है और बी के ऊपर वैक्स जला. वैक्स जलने के बाद 9 बीट्स प्रोड्यूस हुए पर सेकेंड. फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए. तो कहानी क्या, एक ए है एक बी है, दोनों 6 बीट्स बना रहे. ए का फ्रीक्वेंसी 288 है तो बी के दो आंसर आएंगे, आइदर प्लस दैट इज 294 आ जाएगा या फिर 282 आ जाएगा. ये दो आंसर है तो इन दोनों में से एक चॉइस करना है मुझे. अब उसने बोला बी पे वैक्स जला, वैक्स जला मतलब लोडेड है तो बी का फ्रीक्वेंसी कम हो गया. वैक्स जला मतलब फ्रीक्वेंसी, दो ही समय, फाइलिंग वाला और वैक्स डालना. फाइलिंग में फ्रीक्वेंसी क्या होता है, बढ़ता है. वैक्स में फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कम होता है. तो बी का फ्रीक्वेंसी कम हो गया और बीट्स बढ़ रहे, 6 के 9 हो गए तो बीट्स बढ़ रहे तो फ्रीक्वेंसी कम कर. तो कौन सा आंसर का फ्रीक्वेंसी कम करने से बीट्स बढ़ेगा, अगर मैं इसका फ्रीक्वेंसी कम करूंगा तो इसके नजदीक आएगा, नजदीक आने से बीट्स कम होता है, और अगर मैं इसका फ्रीक्वेंसी कम करूंगा तो बीट्स बढ़ेंगे क्योंकि ये दूर जाएगा ना. देखो अगर मैं इसका फ्रीक्वेंसी कम करता 281 कर दे सोचो तो कितना बीट्स बनेगा, 7. 280 कर दे तो कितना बीट्स बनेगा, 8. तो ये मेरा फाइनल आंसर रहेगा, ये नहीं, क्योंकि बीट्स क्या हो रहे हैं, बीट्स बढ़ रहे, फ्रीक्वेंसी कम हो रहा है क्योंकि वैक्स डाला और क्वेश्चन में लिखा है बीट्स बढ़ रहे. सो एग्जाम में कैसे लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए दिया हुआ था 288, फ्रीक्वेंसी ऑफ बी पूछा है, बीट्स बन रहे हैं 6, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ बी इज फ्रीक्वेंसी ऑफ ए प्लस और माइनस बी, दैट इज 288 प्लस और माइनस 6. सो आइदर इट इज 282 और इट इज 294. ठीक है, फिर इसके बाद आप स्टेटमेंट लिखोगे, एज प्रॉन्ग्स ऑफ बी आर लोडेड विथ वैक्स इट्स फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस बट नंबर ऑफ बीट्स इंक्रीजेस फ्रॉम 6 to 9. दिस कंडीशन इज सैटिस्फाइड व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ बी इज 294 हर्ट्ज़. Therefore, answer is, sorry, this condition is satisfied and frequency of B is 282 hertz. Therefore, answer is 282 hertz. Statement likhe, khatam karoge 2 mark ke liye. Par most probably, ye MCQ ke liye aata hai. To MCQ solve karne ke liye, boards mein easy wale, ye important hai. So, that's complete your second part. Thank you very much, all of you. Thank you.